दरअसल रविवार को सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया ने नानाखेड़ी स्थित गार्डन में कांग्रेस के पन्ना प्रभारियों से गुना में 1-to-1 चर्चा की और क्षेत्र की स्थिति परिस्थिति के बारे में जाना। इस दौरान एक महिला कार्यकर्ता ने उनके साथ सेल्फी लेना चाही तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन कार्यकर्ता जिद पर अड़ गई। इसको लेकर दोनों के बीच काफी देर बहस भी हुई। तब प्रियदर्शनी राजे ने उसे समझाया कि अभी काम कर लें, इससे काम डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके बाद फोटो ले लेना। लेकिन कार्यकर्ता नहीं मानी और नाराज होकर अपने गले से आईडी कार्ड उतारकर टेबल पर रखा और वहां से चली गई। थोड़ी देर में माहौल गहमा गहमी का हो गया, लेकिन स्थानीय नेताओं ने बात को संभालते हुए फिर से काम शुरू कर दिया। वहीं प्रियदर्शनी ने सभी का धन्यवाद दिया कि वे अपना काम छोड़कर उनसे मिलने पहुंचे। बता दें कि कांग्रेस ने एमपी की 22 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन गुना, ग्वालियर और इंदौर जैसे 7 सीटों को होल्ड पर रखा हुआ है। सिंधिया का नाम गुना से ही फाइनल माना जा रहा है। इस बात के संकेत सिंधिया और प्रियदर्शनी ने शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र में सक्रियता से साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पार्टी सिंधिया का नाम का ऐलान करने में देरी क्यों कर रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।